ये कितने पैसे थे और इतनी ज्यादा रकम जो बता रहे हैं ये कितने टोटल पैसे थे? ये 43,60,000 रुपए थे। 23 मई 2023, पुलिस स्टेशन चिन्योट सिटी, जिला चिन्योट। FIR नंबर 238/2023, नाजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेरे दफा 394, 393 और 411 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। ये चिन्योट का इलाका है। यहां मौजूद है फैसलाबाद रोड से मुलहक गल्ला मंडी रोड पर वाके ये पेट्रोल पंप। रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक यहां कारोबार जिंदगी यूं ही जारी सारी रहता है। और यहीं अंदर मौजूद इस पेट्रोल पंप पर यकजा होने वाली रकम का हिसाब किताब जारी था। ताकि इसी पेट्रोल पंप पर यकजा होने वाली रकम को बैंक में जमा करा दिया जाए। इसी तनाजुर में हिसाब किताब मुकम्मल किया जा रहा था। आदादो शुमार के मुताबिक 43 लाख से भी जायद की रकम इनके पास मौजूद थी, जिसकी तैयारियां जारी थीं कि मकामी बैंक में हमेशा की तरह इस रकम को फौरी तौर पर भिजवा देना चाहिए, लेकिन किसी को शायद इस बात का गुमान ही ना हुआ कि बाहर खड़ा हुआ पंप का एक मुलाजिम अंदर होने वाली तमाम तर कार्रवाइयों पर नजर रखे हुए है। नाजरीन, हमेशा ही याद रखने की बात है कि कभी भी इस तरह खुले आम रकम को यकजा करना या लेन देन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मालो असबाब को गैरों से पोशीदा रखना चाहिए। ज्यादातर लोग शायद इन बातों को अहमियत देते ही नहीं है, जिसके नुकसान अक्सर मंजर आम पर दिखाई देते हैं। और यहां भी हिसाब किताब के दरमियान किसी को यह शक भी न गुजरा कि अंदर होने वाली ये कार्रवाई कहां से कहां तक जा पहुंची होगी। तमाम रकम हमराह लेकर बिल्कुल इसी तरह ये लोग बैंक की जानिब रवाना होने लगे। मैं स्टेक होल्डर्स और बिजनेसमैन से ये दरख्वास्त करूंगा कि जब भी वो कोई बड़ी रकम की तरसील करें या उसको कहीं बैंक में भिजवाना चाहें तो उसके लिए एक गवर्नमेंट का एक तरीकाकार है, एक मैकेनिज्म है, मुतल्लिका थाने पर इतला दें, वहाँ से सिक्योरिटी के लिए पुलिस को बताएं और या जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, सिक्योरिटी कंपनीज हैं, उनसे मदद लें और अपने भारी नुकसान से बचें और मुस्तकबिल में इस तरह के किसी जानी नुकसान और माली नुकसान में मुबला ना हो। राहें उबूर करते हुए जब ये इस मंजिल पर पहुंचे हैं, तो बस एक मौरका जैसे इनका मुंतजर था। इसी नाते यहां रकम हथिया लेने की जस्तजू शुरू हो गई। फरार होते जराय पेशा नासिर को एक मोटरसाइकिल दरकार थी और फिर यहां से एक नया मामला खड़ा हो गया। इस गरीब की मोटरसाइकिल जबरदस्ती अपने हमराह ले जाने की कोशिशों के दरमियान जब ये आड़े आता रहा तो आखिरकार एक चिंगाड़ती हुई गोली उसके जिस्म में दाखिल कर दी गई।
इधर ये सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब से अवाम का अजदहाम इसी मौके की जानिब यकजा होने लगा। यहां एक अजीब अफरा तफरी का आलम बपा था। इसी दरमियान किसी ने पुलिस कंट्रोल 15 तक होने वाले इस वकूए की इत्तला पहुंचा दी। सरेरा होने वाली इस वारदात की इत्तला जैसे ही कानून के अहलकारों तक पहुंची है, हर एक इसी जानिब आता दिखाई दिया। दो पतले, एक पतला सी लंबा जैसी, एक मोटा सी वावा, पूरे जकात असला कोठी सी तीन गोलियां। यहां मची अफरा तफरी के दरमियान जब इस मोटरसाइकिल की बाबत मालूम किया गया कि ये मोटरसाइकिल किसकी है, मालूम यह हुआ कि ये मोटरसाइकिल आने वाले जराय पेशा नासिर में से किसी एक की है। यानी जब मौके वारदात को मुकम्मल करने के बाद राह फरार इख्तियार करते हुए जराय पेशा नासिर से यह मोटरसाइकिल स्टार्ट न हुई तो उन्होंने मजबूरन यहां मौजूद इस शख्स की मोटरसाइकिल को हथियाने की खातिर इसे गोली मार दी और खुद फरार हो गए। और इसी दरमियान एम्बुलेंस का इंतजार किए बगैर यहां पड़े हुए शख्स को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की खातिर कानून के अहलकार अपने हमराह लेकर रवाना होने लगे। मौके से छीनी जाने वाली मोटरसाइकिल की बाबत यह भी मालूम हुआ कि उसमें ट्रैकर लगा हुआ है, जो कानून के अहलकारों के लिए एक खुश आइंद बात है।